Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. Hi, मेरा नाम जोश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हर धर्मी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसके अतीत के पाप उसे जकड़ने लगते हैं, जब वो ये सोचने लगता है कि वो इस योग्य नहीं कि वो पिता परमेश्वर की पवित्रता में एंटर कर सके। अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं आज आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुलोसियों उसके दूसरे अध्याय और 13 और 14 वचन में ये लिखा है कि वो जो विधियों का लेखा जो तेरे नाम पर था और तेरे विरुद्ध में था उसे पिता परमेश्वर ने मिटा दिया है। और आज भाई समीर हमें इसी वचन से सिखाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए हम आराधना करें। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजा का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजा का प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबको मेरा शालोम। आज एक बार फिर वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से एक आत्मिक बात, एक रूहानी बात बांटना चाहता हूँ। होशे उसके 4:6 पद में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। परमेश्वर ने जो कुछ आपके और मेरे लिए किया है उसको नहीं जानने की वजह से आप और मैं नाश होते हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सच्चाइयां हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की हैं, पर उन बातों से अनजान रहना कई बार आपके और मेरे नाश होने का, आपके और मेरे संघर्ष में रहने का कारण बनता है। और आज इसी संदर्भ में परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर एक बात, एक न्यू क्रिएशन रियलिटी के बाद, परमेश्वर में फिर से नए हो जाने की बात, परमेश्वर में नई सृष्टि होने की बात आपसे बांटना चाहता हूं। मंशा है कि कोई भी विश्वासी इस बात से अनजान ना रहे कि हमें परमेश्वर ने नया कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वचन स्पष्टता से कहता है, यदि
कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसका मतलब जो कोई मसीह में है, जिस किसी ने अपना विश्वास यीशु पे रखा है, वचन कहता है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं। और ये सच्चाई, ये रियलिटी आपके और मेरे लिए जानना अनिवार्य है। हम में से बहुत से लोग अपनी बातों में, अपने जीवन में संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम इस नए होने की बात को नहीं जानते। निकोदुमस जब रात में यीशु मसीह के पास आया, योहन्ना उसके तीसरे अध्याय में, तो उसने यीशु मसीह को कहा, मैं जानता हूं जो कुछ आप कर रहे हो ये निसंदेह परमेश्वर की ओर से है, मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। और यीशु मसीह उसने कहा, यीशु ने उसको कहा, अवश्य है। योहन्ना उसके तीसरे अध्याय के तीसरे पद में यीशु मसीह ने उसको कहा, अवश्य है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और यह बात निकोदिमस के लिए बहुत ही अजीब सी थी, नए सिरे से जन्म लेना। और कई बार आप और मैं भी जब इस बात को सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि नए सिरे से जन्म लेना क्या है। निकोदिमस ने भी यीशु से सवाल पूछा, निकोदिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों का जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और ये बात आपके और मेरे लिए समझना जानना अनिवार्य है। जब तक हम मसीह पे विश्वास नहीं करते, जब तक हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं आता, आप और मैं शरीर से जन्मे हुए लोग हैं। पर जब कभी आप और मैं यीशु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेते हैं, आप और मैं आत्मा से जन्म लेते हैं। पर आप कहेंगे, क्या इसके पहले हम मरे हुए हैं? हम तो जी रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, एक जीवित रहने की जितनी भी लक्षण हैं, जितने भी सिम्टम्स हम सब में दिखाई देती हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप और मैं मरे हुए हैं, शरीर में जन्मे हैं? पर इसके लिए आपको समझना होगा, जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो वचन वाली कहता है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। और योहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका 13वां पद कहता है, परमेश्वर आत्मा है। इसका मतलब जब आदम की सृष्टि हुई थी वो आत्मा था, वो एक शरीर में था पर वो आत्मा था। परमेश्वर ने आदम को कहा, जिस दिन तू ये फल खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। अगर आप उत्पत्ति का तीसरा चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता है आदम मरा नहीं। तो क्या परमेश्वर ने असत्य कहा, झूठ बोला? नहीं, वो अपनी आत्मिक दशा में मर गया। वो शारीरिक दशा में तो जीवित रहा पर आत्मा में आदम उस दिन मर गया। और उस आदम से लेके उसके वंश में जितने लोग पैदा हुए वो शरीर में पैदा हुए पर आत्मा में वो सब मरणासन थे, मृत अवस्था में थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अवश्य है कि मनुष्य आत्मा और जल से जन्म ले। और जब तो कोई आत्मा से नहीं जन्म लेता वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए कुरिन्थियों में जब पौलुस ने लिखा, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, उसने बताया कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और आगे लिखा है कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 18वें पद में, यह सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। वो जो आदम की गलती से एक विच्छेद हो गया, आत्मिक रीति से आप और मैं मर गए थे, उसको रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर ने मसीह को भेजा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। हम आदम की अनाज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर से अलग हो गए, आत्मा में मर गए, पर वचन कहता है मसीह के द्वारा उसने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। अब दोनों बातों को एक साथ समझिए। यीशु ने कहा, जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है, परमेश्वर की बातें आत्मिक हैं, वहां शारीरिक संसारिक चीजों की कोई जगह नहीं। पर आदम की गलती से हम सब आत्मा में मरे हुए हैं, पर मसीह ने अपने द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया। इसका मतलब जैसे हमने मसीह पर विश्वास किया और जैसे हमने बपतिस्मा लिया, हम आत्मा में, हम जब पानी में गाड़े गए, डाले गए, हम गए तो शारीरिक, जब निकाले गए तो
तो हम आत्मा में जी उठे। और वचन कहता है मसीह ने हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। स्पष्टता से लिखा है जो दोष थे, जिन दोष की वजह से आप और मैं मरे हुए थे, हम आत्मा में मरे हुए थे, उन बातों का दोष परमेश्वर ने हम पे नहीं मसीह पे लगाया। और चूंकि मसीह ने वो सारा दोष और सारा पाप ले लिया, ये कारण बना आप और मैं मसीह में नई सृष्टि है। और ये रहस्य, ये छिपी हुई बात है, हम कई बार नहीं समझते। हमें लगता है कि नहीं भैया, मैं तो जैसा जन्म पहले था, बपतिस्मा के पहले, नए जन्म के पहले, मसीह पे विश्वास करने के पहले मैं जैसा था, आज भी तो मैं वैसा ही हूँ। मैं पहले भी चश्मा लगाता था, आज भी लगाता हूँ। मैं पहले सांवला था, पहले भी मेरी हाइट 5'9" थी, आज भी उतनी है। कुछ भी तो नहीं बदला। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक इलस्ट्रेशन से, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मानिए आप किसी देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, कोई संपन्न देश है जहां सब कुछ अच्छा है, जो अपने नागरिकों को बहुत सी सुविधाएं देना चाहता है, और आप उस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, आप वहां जाते हैं, आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं और आपको एक दिन उस देश की नागरिकता मिल जाती है। अब ये बताइए, उस देश की नागरिकता मिलने के बाद आपका क्या, जो भी आपका बाहर का शारीरिक रंग रूप है, ये बदल जाएगा? निसंदेह नहीं। आपके पास उस देश की नागरिकता आ जाएगी, पर आपका कुछ शरीर में, आपके रंग रूप में कोई बदलाव नहीं होगा, पर अब आपकी पहचान बदल जाएगी। अब आप किसी ऐसे जगह जाएंगे जहां उस देश का बड़ा मान सम्मान है, जहां पे उस देश की बहुत वैल्यू है, वहां के सिटीजन्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज और सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे। पर आपके जीवन में बाहरी तौर से कोई बदलाव नहीं होगा, पर वो लोग जो आपको ये जानते हैं आपके विषय में कि अब आप फलाना देश के नागरिक हैं, वो आपको सम्मान देंगे, आपसे किसी ना किसी का आपके प्रति एक आदर रखेंगे। जब मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया, उसने आपकी और मेरी नागरिकता बदल दी, हम जो शारीरिक थे अब परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, अब आप और मैं आत्मिक हो गए। हम शरीर के देश के वासी थे, पर मसीह के द्वारा हम नई सृष्टि हो गए। और जब आपने और मैंने मसीह पे विश्वास किया, तो उस विश्वास के द्वारा मसीह ने आपको मुझको इस शरीर के जीवन से निकालकर आत्मा के जीवन में प्रवेश कराया। इसलिए वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब मेरे जीवन में सांसारिक बातें, शारीरिक बातें इंपॉर्टेंस नहीं रखती, पर मैं अब आत्मा की बातों में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बढ़ना चाहता हूं। देखिए आगे क्या लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। 5वां अध्याय उसका 20वां पद कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। अब एक चेंज है यहां पर। अब हम मसीह के राजदूत हैं। अब तक क्या था, अब तक हम परमेश्वर की ओर देख रहे थे, हम परमेश्वर से रिडेम्पशन, अपना छुटकारा चाहते थे, हम परमेश्वर की ओर आस लगाए थे, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से था। पर जब हम मसीह में नई सृष्टि हो गए, तो वचन कहता है अब हम मसीह के राजदूत हैं। अब हम परमेश्वर की ओर देख नहीं रहे, पर परमेश्वर की ओर से लोगों की तरफ है। एक चेंज है। पहले मैं परमेश्वर की ओर देख रहा था और मैं अपने रिडेम्पशन, अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर से विनती प्रार्थना कर रहा था, पर वचन कहता है यहां 20वें पद में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। अब मेरी पोजीशन चेंज हो गई। नई सृष्टि में परमेश्वर के द्वारा नए किए जाने के बाद अब मैं बदल गया हूं। अब मैं परमेश्वर की ओर नहीं देख रहा, मैं परमेश्वर की ओर से संसार में नियुक्त हो गया हूं, मानो एक राजदूत हूं। मैं परमेश्वर की बातों को लेकर अब संसार की चीजों में, संसार में जो कुछ होता है, संसार में आसपास जितने लोग परेशान हैं, उनकी जिंदगी में परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को बोता हूं। मैं एक राजदूत हूं, मेरी पोजीशन चेंज हो गई है। और ये बातें समझना बहुत जरूरी है। कई बार आप और मैं स्ट्रगल करते हैं, हमें लगता है नहीं, हमने तो बहुत बुरे काम किए हैं, मैं कैसे परमेश्वर का राजदूत हो सकता हूँ, मैं कैसे परमेश्वर की ओर से हो सकता हूँ। भैया आपको नहीं पता मैंने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे घिनौने गंदे काम किए हैं। मेरे लिए तो ये सोचना भी एक तरीके से गलत है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। आपको नहीं पता मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में क्या क्या गलत किया है। मैं आपके लिए एक पद पढ़ता हूँ, कुलुसियों उसका 2वां अध्याय उसके 12वें पद से लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए,
और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। जब आपने मैंने बपतिस्मा लिया, वचन कहता है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। जब आप और मैंने बपतिस्मा लिया, जब हमने वो बैप्टिज्म लिया ना, तो जिस तरह यीशु मसीह कब्र में गाड़ा गया, आप और मैं उसी के साथ, हम बपतिस्मा ले रहे थे पर आत्मिक वर्ल्ड में जो एक स्पिरिट रिल्म है उसमें आप और मैं मसीह के साथ गाड़े गए। और वचन आगे कहता है और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। मतलब वो जो पुराना मैं था ना, जो गंदा था, जिसने गंदे काम किए, जो हमेशा गलत सोचता था, वो बातें, वो सारी चीज़ें मेरे बपतिस्मा में, जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब मैं बपतिस्मा में यीशु के साथ गाड़ा गया, वो उसी के साथ कब्र में चला गया। और जब यीशु जी उठा, वो रूपांतरित यीशु जो एकदम महिमान्वित यीशु था, मैं भी वैसे महिमा में नई सृष्टि बन के पैदा हो गया। और आगे 13वां पद कहता है और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। देखिए वचन क्या कहता है, कितना कितना स्पष्टता से कहता है और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे, मतलब वो गंदे काम जिनकी वजह से, जिन शारीरिक कामों की वजह से आप और मैं मुर्दा थे, आत्मिक बातों से कोसों दूर थे, आत्मा में कहीं भी किसी किस्म की अपवित्रता ही नहीं पाई जाती पर शरीर में सब कुछ गंदा है। और वचन कहता है आप और मैं शारीरिक थे, अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। इसका मतलब जिस दिन आप और मैं नई सृष्टि से, जिस दिन आप और मैं नया जन्म लेते हैं, जब आप और मैं मसीह में विश्वास करते हैं, जिस दिन हम मसीह में आ जाते हैं, मेरा पुराना जीवन, वो गंदा घिनौना जीवन परमेश्वर मुझसे अलग कर देता है। और 14वां पद बहुत ज़रूरी है, आगे लिखा है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। एक लेख जहाँ पे वो सारी बातें थी, वो सारी एंट्रीज थी, अच्छा समीर ने ये किया, समीर ने ये गलत काम किए, समीर ने ये गलत गलत बातें बोली, समीर ने ये गलत गलत सोचा, वो जितनी एंट्रीज मेरे अगेंस्ट थी, जहाँ जहाँ मैंने जो जो गलत किया था, उन पूरी विधियों का लेख, वो सारा जो समरी थी ना मेरे घिनौनेपन की, मेरे शारीरिक दशा की, जो मेरी जिंदगी की सच्चाई थी, वचन कहता है वो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध पर था, वो जो एंट्रीज मेरे नाम पे थी, वो मेरे एक एक गलत काम की एंट्रीज, वो जो कुछ मेरे विरोध में था और मेरे नाम पर एंट्री हो रखी थी, वचन कहता है मिटा डाला। और आगे वचन कहता है और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। वो सारी बातें, वो लेख जिसमें मेरी सारी एंट्रीज थी, मेरा पुराना जीवन जहाँ पे सारी बातें मेंशन थी, वचन कहता है ना सिर्फ परमेश्वर ने उसको मिटाया है पर उसको कीलों पर, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। परमेश्वर स्वयं भी अब उन बातों को स्मरण नहीं करता, वो उसके सामने है ही नहीं। पर कई बार आप और मैं इस बात को नहीं समझते, आप अपना, जब आप और मैं जो विश्वासी लोग हैं अपना पुराना जीवन देखते हैं, तो कई बार हम अपने आप को कंडम करते हैं, कई बार अपने आप को गिल्ट मिले जाते हैं, हमें लगता है नहीं प्रभु हमने तो बहुत गुनाह किए हैं, हम तो तेरे किसी अच्छे काम के लिए है ही नहीं। कई बार जब आप और मैं किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं और जैसे हम उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे होते हैं, हमें लगता है क्या मैं इस योग्य हूँ। कोई आपके और मेरे पास आता है, बोलता है भैया मेरे लिए इस विषय पे प्रार्थना कर दीजिए, और आप और मैं डर जाते हैं, नहीं मैं इस योग्य हूँ नहीं। पर परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन स्पष्टता से एक बात बता रहा है, परमेश्वर आपके और मेरे उन पुराने कामों को, उन पुरानी जिंदगी को स्मरण नहीं करता, वो उसके सामने से हटा दिया गया है। जब मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दिया, उसने मेरा पुराना जीवन, मेरा पूरा वो जीवन जहाँ पर सब कुछ गंदा था, अपने साथ क्रूस पर ले लिया। बहुत लंबे समय तक परमेश्वर के लोगों, मैं भी इस बात को लेकर स्ट्रगल करता था, यह वचन मुझे समझ में नहीं आता था कि जहां लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और मेरा यह स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक बना रहा।
मैं कई बार अपने पुराने जीवन को लेकर स्ट्रगल करता था, बैठ के सोचता था। एक दिन जब मैं ऐसे ही प्रार्थना के समय परमेश्वर के सामने बैठा था और अपने पुराने जीवन को स्मरण कर रहा था, मानो एक फिल्म के जैसे पुरानी बातें, वो मेरे सारी गंदी चीज़ें जिसमें मैंने अपने आप को इंडल्ज किया था, वो सारी बातें जो मैंने की थी मेरे सामने चलने लगी। और जैसे जैसे मैं उनको देखता जा रहा था, मेरे अंदर ये बात है, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ। ये एक एक आवाज़ आ रही थी, तू परमेश्वर के योग्य नहीं, तूने ये किया है, देख मसीह कैसा है, उसका जीवन कितना पवित्र है, तू उसके योग्य नहीं, तू सेवा के लायक नहीं। और ये ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं मसीह को प्यार करता हूँ, मैंने मसीह पर विश्वास किया है, पर मैं उसके योग्य नहीं, मैं उसके साथ चलने लायक नहीं हूँ। और वो बात, वो गिल्ट मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर वो बलवंत होती गई वो बात। तब परमेश्वर ने मुझे आत्मा में एक दर्शन दिखाया। मैं एकदम प्रार्थना में भी था, पर मैं अपना पुराना जीवन और मैं एक स्ट्रगल कर रहा था, और मैंने देखा एक एक नदी है, एक बहती हुई नदी है, सफ़ेद नदी जिसमें कुछ उजला द्रव्य बह रहा है, जो उसमें बह रहा है वो बिल्कुल वाइट, एकदम स्नो चमकता हुआ कुछ था। और वहाँ पर मसीह, यीशु मसीह खड़े हैं और मुझे बुला रहे हैं। मैं दूर खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक छोटा सा मटका है जिसमें कुछ काला काला भरा हुआ है, और मुझे पता चला ये मेरा पुराना जीवन है, वो गंदे काम जो मैंने किए हैं ये मैं अपने हाथों में लिए हुए था। मैं पूरा काला था, पूरी चीज़ें थी, और मेरे हाथ में वो मेरा पुराना जीवन था जिसमें सारी गलतियाँ थी। और परमेश्वर मुझे, यीशु मुझे बुला रहे हैं अपने पास, और मैंने कहा नहीं यीशु, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, मेरी वजह से आप गंदे हो जाओगे, मेरे काम, मेरी बातें, वो जो चीज़ें मैंने की हैं वो इतनी गंदी हैं, यीशु मैं इसको आपके समीप नहीं ला सकता। और यीशु मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मेरे पास है समीर, मेरे पास है। मैंने नहीं यीशु, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं गंदा हूँ, मैं आपके योग्य नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप पवित्र हैं, आपने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, पर यह मेरा जीवन है यीशु। और मैं बहुत देर तक प्रार्थना में स्ट्रगल करता रहा, मैं इस दर्शन में था और मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे नहीं, और मुझे वो आवाज़ यीशु बार बार अपने पास बुला रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। बहुत देर तक वो मुझे बुलाते रहे, पास आ, मैं, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं यीशु के पास आऊँ, मेरी इच्छा थी मैं उसे समीप जाऊँ, मैं अपने यीशु के पास जाना चाहता था, पर मेरे साथ में, मेरे सामने, मेरे हाथों में मेरे गंदे काम थे, मेरा पिछला जीवन था जिसमें हर किस्म की गंदगी थी, वो बातें जो मैंने की थी जो कोई और नहीं जानता पर मैं जानता था, वो मेरे सामने थी। पर यीशु ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं बहुत देर तक हिचकता रहा, नहीं गया, पर यीशु ने मुझे बुलाया, मेरे पास आ, अपने पास आ। बहुत देर, धीरे धीरे, मन में इच्छा तो थी यीशु के पास जाने की, मैं बहुत रिलक्टेंट होकर यीशु के पास गया। परमेश्वर के लोगों, मैं जब समीप गया, यीशु ने मुझसे बोला, ये मटका, ये छोटा सा, ये जो तेरा है ये मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं यीशु, आप उज्जवल हो, आप श्वेत हो, आप सब कुछ पवित्र है, आप गंदे हो जाओगे। यीशु ने कहा मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं यीशु, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मुझे दे। उनकी आवाज़ में एक इतना ठोस आवाज़ थी, मैं मना नहीं कर पाया, पर मेरे मन में ये बात थी यीशु गंदे हो जाएंगे, यीशु आप मेरी वजह से गंदे हो जाएंगे, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके समीप आऊँ, आपने बुला लिया पर मैं आपको दूंगा नहीं। पर यीशु ने कहा मुझे दे। यीशु मसीह ने वो गंदगी, वो मेरा पुराना जीवन लिया और उसे उस नदी में, वो जो द्रव्य था, वो बहती हुई नदी थी सफ़ेद, उसमें उसको डाल दिया। और मुझे लगा अब ये नदी काली हो जाएगी, मुझे लगा इस सफ़ेद धार के बीच में मैं एक काली सी धार देखने वाला हूँ, और धीरे धीरे सब कुछ काला हो जाएगा, शायद ग्रे हो जाए, मैं डर रहा था। पर जैसे यीशु ने वो सब कुछ डाला, पता नहीं वो मेरी ज़िंदगी, वो मेरा कालापन, वो मेरे पाप, पता नहीं कहाँ गुम हो गए, वो उस सफ़ेद में मिलके वो भी सफ़ेद हो गए। यीशु मसीह ने मेरे उस मटके को, मेरे पुराने जीवन को लिया, उस नदी में डालकर फिर दिया, और सब कुछ श्वेत, एक द्रव्य उस मटके में, एक सब कुछ सफ़ेद सा कुछ भर के मुझे दिया, ये ले ले। मैं अचंभित था, मैं उस दर्शन को समझ नहीं पा रहा था, मतलब यीशु ये क्या है। यीशु मसीह ने कहा ये तेरी धार्मिकता है जो मेरी वजह से है। परमेश्वर का लोगों, उस दिन उस दर्शन ने मुझे एक बात समझाई, मेरा पुराना जीवन चाहे कैसा भी था, मैंने चाहे कुछ भी किया था, जिन बातों से मैं शर्मिंदा था, मसीह ने वो सारी चीज़ें मेरे लिए बदल दी। ये वचन उस दिन मुझे स्पष्ट हो गया जहाँ लिखा है यदि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरा पुराना जीवन मुझे अब प्रभावित नहीं करता, पर मसीह का वचन, उसकी आत्मा मुझे संभालती है, मुझे प्रभावित करती है। आज मेरी विनती है, आप इस बात को जाने समझें कि आपने यदि मसीह पर विश्वास किया, यदि आप मसीह में हैं तो आप नए हैं,
आपका पुराना जीवन, आपकी सारी गलतियां हटा दिए गया, विधियों का लेख मिटा दिया गया है और परमेश्वर के सामने से हटा दिया गया है। आप नए हैं, इस बात को जानिए, आप नए हैं। कोई बात, कोई पुरानी बात आपको रोक नहीं सकती, आप मसीह में हैं, आप नए हैं। आइए प्रार्थना करें इस बात के लिए, इस वचन के लिए कि परमेश्वर ये बात हम जीने लगे कि हम तुझ में नए हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि यीशु एक दिन आपने मुझे इस बात को समझाया, इस वचन को समझाया दर्शन में कि मैं आप में नया हूँ, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। और ये मेरी ओर से नहीं, मेरे कामों की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए, पवित्रात्मा मदद कीजिए। आज अगर कोई ऐसा है जो गिल्ट में है, कंडेमनेशन में है, प्रभु मदद कीजिए, उसे पता चले, अपने अंदर इस बात को महसूस करे कि यीशु ने सब कुछ बदल दिया है, सब नया कर दिया है। हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष हो, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सब नए हैं। गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अपरूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों की प्रार्थना और आपके आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप भी हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।